अमेठी के आसपास के कई जनपदों के ख्याति प्राप्त इकलौते संत और सगरा आश्रम बाबूगंज के पीठाधीश्वर शिव योगी बाल ब्रह्मचारी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी महाराज के नेतृत्व में कई संत महात्माओं ने मिलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आए हुए संकट को समाप्त करने के लिए मृत्युंजय का जाप करते हुए पूजा अर्चना की। इस मौके पर मौनी महाराज ने कहा, राष्ट्र रक्षा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर आए हुए संकट को खत्म करने के लिए हम लोगों ने पूजा पाठ की है और इस बात को लेकर संत महात्मा बहुत चिंतित हैं। देश के प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है, ऐसे में उनके कल्याण मंगल और दीर्घायु के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए महामृत्युंजय महायज्ञ की आहुति की गई है। कालेश्वर दिगंबर भूतेश्वर भगवान महाकाल का हम सबने आवाहन किया है राष्ट्र रक्षा के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर आए हुए संकट को समाप्त करने, क्योंकि राष्ट्र बड़ा धर्म है। सारे संत महात्मा इस बात को लेकर के अत्यंत चिंतित है। विश्व में एक संदेश गया है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है। वो एक सर्वोच्च पद है, वो व्यक्ति नहीं है। उनके अपमान से हम सब हताहत हैं। उनके कल्याण के लिए, उनके मंगल के लिए, उनकी दीर्घायु होने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए महामृत्युंजय महायज्ञ और मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का आहुति की गई है और पाठ पूजन करके भगवती को प्रसन्न किया गया है कि सबको सद्बुद्धि दें, सबका कल्याण करें। क्योंकि जो लोग विरोध भी कर रहे हैं, हम उनके भी शुभचिंतक हैं, उनको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो। क्योंकि किसी व्यक्ति के विरोध में राष्ट्र का विरोध करना यह बहुत बड़ा अपमान है देश का। इससे हम लोग हताहत हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान महाकाल से, पूरे राष्ट्र की रक्षा हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको सद्बुद्धि हो। क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। राष्ट्र रक्षा के निमित्त हम संत महात्मा निरंतर तपस्या करते हैं और बड़े बड़े संत महात्माओं ने राष्ट्र रक्षा के लिए अपनी अस्थियां भी दे दी थी। ये प्राचीन इतिहास रहा है। प्रात कहा बुलिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। हम सब सबके कल्याण की कामना करते हैं। इसी निमित्त यह महायज्ञ का आयोजन किया गया है। मेरी मां से प्रार्थना है, मेरी भगवान महाकाल से प्रार्थना है, भगवान महामृत्युंजय से प्रार्थना है कि ऐसा विद्वेष देश से समाप्त हो, सारे लोग राष्ट्र रक्षा के प्रति संकल्पित हो, भविष्य में कभी भी देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान माननीय प्रधानमंत्री का अपमान फिर से ना हो। क्योंकि इससे देश का सम्मान घटा है, देश के संविधान पर प्रश्न उठा है, इससे पूरे विश्व में एक अंगुली उठी है। यकीन सद्बुद्धिशाली लोगों के मन में कुबुद्धि पैदा हो गई, उनकी कुबुद्धि भी समाप्त हो। क्योंकि ऐसे लोग देश के लिए घातक हो सकते हैं, जो देश के सर्वोच्च पद का अपमान कर सकते हैं। हम लोग इसके प्रति बहुत खेद उत्पन्न है, बड़ी पीड़ा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं सबको सद्बुद्धि दें, सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें। जय महाकाल, जय महाकाल।